अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ ड्रग मामले च वड्डा अपडेट सामने आया है। जानकारी मुताबक ईडी ने एसआईटी दी रिपोर्ट ते नोटिस लिया है ते मामले दी जांच कर रही एसआईटी तो कई वेरवे मंगे गए ने, जिवें एफआईआर दी डिटेल्स, जांच दी स्थिति, गवाहां दे बयान, 284 बैंक खातियां दा वेरवा। इस दे नाल मजीठिया दे परिवारक फर्म्स ते मैंबरां दे आरओसी रिकॉर्ड ते आईटीआर दी कॉपी, वित्तीय दस्तावेज जिमें सराया इंडस्ट्रीज से संबंधित फर्म्स, जमीनी रिकॉर्ड ते इस नाल वित्तीय माहिर दी रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट दी रिपोर्ट भी एसआईटी कोलो ईडी ने मंगी है। बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ नशा कारोबार दे मामले च मोहाली च दसंबर 2021 च केस दर्ज किया गया सी। उदो चरणजीत सिंह चन्नी दी सरकार सी। ए मामला नशा विरोधी कानून दी धारा 25, 27 ए ते 29 दे तहत दर्ज किया गया सी, पर उदो विधानसभा चोणां दा चोण अमला चलदा होण कारण मजीठिया दी गिरफ्तारी नहीं हुई सी। मजीठिया ने वोटिंग तो बाद 24 फरवरी नूं मोहाली अदालत च आत्म समर्पण कर दिता सी। इस तो बाद मजीठिया नूं पटियाला जेल भेज दिता गया सी। 5.5 महीने मजीठिया जेल च रहे। हालांकि बिक्रम सिंह मजीठिया ते उन्हां दी पार्टी अकाली दल लगातार इन्हां इल्जामां नूं रद्द करदे आए ने ते पुलिस दी कार्रवाई नूं सियासी बदलाखोरी दसदे रहे ने, पर अज वड्डी खबर है कि ईडी ने एसआईटी दी रिपोर्ट ते नोटिस लिया है ते जांच कर रही एसआईटी कोलों कई डिटेल्स इस केस दीआं मंगीआं गईआं ने। बाकी तुसीं की कुछ कहना चाहोगे कॉमेंट करके जरूर दसो। पंजाब तक दे लई इह खबर भेजी है कमलजीत संधू ने।